बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में जोरदार धमाकों का दावा किया गया। यूक्रेन के कई शहर धमाकों से दहल गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई शहर ऐसे हैं यूक्रेन के जहां पर बड़ा धमाका रूस द्वारा किया जा रहा है। कीव, राजधानी कीव इस वक्त दहल रही है रूस के हमलों से, क्योंकि जिस तरीके से रूस में क्रेमलिन पर हमला हुआ उसके बाद मानो रूस के सैनिकों पर खून सवार हो चुका है और यूक्रेन के कई शहरों को अब निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा निशाना राजधानी कीव है, जहां जोरदार धमाकों की आवाज लगातार सुनाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले के बाद से पुतिन की सेना ने ही कीव में धमाके किए हैं, यानी रूसी सेना ने अब यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया है। ये सायरन सुनिए, ये हमलों की आवाज सुनिए, पूरी राजधानी कीव यूक्रेन की इस वक्त इन्हीं सायरनों से गूंज रही है। हमलों के निशानदेही मिल रही है, हमलों की आवाजें आ रही हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना को इस वक्त अब खुले आदेश दे दिए गए हैं कि आप इन तमाम इलाकों को अपना निशाना बनाइए और इन पर हमले लगातार करिए, जिस तरीके से यूक्रेन ने हिमाकत की क्रेमलिन पर हमला करने की। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद रूस के डिफेंस सिस्टम पर ही अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि भले ही इस हमले में पुतिन को कोई नुकसान न पहुंचा हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी ज्यादा सुरक्षित जगह पर ड्रोन कैसे पहुंच गया। यही वजह है कि रूसी डिफेंस सिस्टम की ताकत पर ही सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि अगर रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम कर रहे होते तो वो ड्रोन राष्ट्रपति भवन तक कभी नहीं पहुंच पाता। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन भेजा था, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। और अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो सवाल उठता है कि यूक्रेन का ड्रोन इतनी दूर तक मॉस्को के अंदर कैसे पहुंचा, क्योंकि मॉस्को से यूक्रेन की सीमा की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने के लिए किसी भी ड्रोन को वक्त लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूक्रेन का ड्रोन वहां से उड़कर मॉस्को तक पहुंचा तो रूसी डिफेंस सिस्टम उसे क्यों नहीं पकड़ पाई। यही वजह है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रूसी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थी कि यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की सीमा के पास एक जंगल में गिरा था, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन तक ड्रोन की घुसपैठ कैसे हो गई? रूसी सेना भी इसका जवाब तलाश रही होगी। हालांकि रूस को लग रहा है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को जैसे हमलों की साजिश लंबे वक्त से रची जा रही थी। इसका इशारा क्राइमिया में रूस की खुफिया एजेंसी के एक ऑपरेशन से मिला। क्राइमिया में यूक्रेन के 7 जासूसों को उसकी खुफिया एजेंसी FSB ने पकड़ लिया। बताया गया कि ये सभी लोग बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय रहते एक मकान के अंदर से उन्हें दबोच लिया गया। रूस की तरफ से उन्हें पकड़ने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिक काले रंग की जैकेट पहने दो लोगों के साथ खड़े दिखे। रूस के सैनिकों ने इनके पास से विस्फोटक और जासूसी का कुछ सामान बरामद किया। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने दावा किया कि यूक्रेन के ये जासूस स्थानीय अफसरों की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। क्राइमिया के जिस इलाके से रूस ने इन 7 जासूसों को पकड़ा, वो पूरा इलाका 2014 से यूक्रेन के कब्जे में है, और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान पुतिन ने इस इलाके को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि इस बार के युद्ध में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के पंजे से इस इलाके को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक अंदाज का असर केवल रूस के शहरों में नहीं, बखमूत में भी दिख रहा है। बखमूत में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन की सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई जंग के मैदान में पहुंच गए। डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमूत शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन 8 महीनों से जंग लड़ रहे हैं, और इसी वजह से बखमूत शहर दिन रात रॉकेट, मिसाइलों और बमों के धमाकों से गूंज रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत को मुट्ठी में करने के लिए पुतिन ने अपनी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है। जबकि दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के सैनिक नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर पुतिन की फौज के आगे खड़े हैं। हालांकि रूस का दावा है कि बखमूत में ज़ेलेंस्की जंग हार चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने उसके दावे की हवा निकालते हुए अपनी सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई को बखमूत की जंग में उतार दिया। मतलब बखमूत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए यूक्रेन ने अपना आखिरी दांव खेल दिया, क्योंकि अगर बखमूत ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो फिर डोनेस्क प्रांत में मौजूद कई दूसरे शहर पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे, और इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने बखमूत की हारी हुई बाजी पलटने के लिए नए सिरे से युद्ध की रणनीति तैयार की। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने बखमूत में जंग लड़ रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई को वहां भेज दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई सैनिकों का हौसला बढ़ाते दिखे। सेना के एक बंकर में उन्होंने जंग लड़ रहे कुछ सैनिकों को सम्मानित भी किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस दौरान जनरल अलेक्जेंडर सिस्केई ने रूसी सेना पर बड़े हमले का प्लान भी बनाया, और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बखमूत की जंग भयानक हो सकती है। जबकि एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ज़ेलेंस्की की सेना बखमूत की जंग हारने के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि बखमूत में जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक हथियारों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, और जो गोला बारूद बचा है
वो आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब अगर बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों तक जल्द हथियार नहीं पहुंचे तो बखमूत को रूसी सेना से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। असल में बखमूत पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रूस की ताकतवर सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, लेकिन कई महीनों की जंग के बाद भी इस शहर पर पुतिन का कंट्रोल नहीं हो सका। जबकि इसे जीतने के लिए पुतिन की फौज पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा चुकी है। रूसी सेना ने बखमूत में ह्यूमन वेव अटैक किया था। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है, जिसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है। यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है। और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां पर वो छिपे होते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी साल की शुरुआत में पुतिन ने बखमूत को जीतने के लिए पहले विश्व युद्ध की ह्यूमन वेव अटैक रणनीति को अपनाया था, ताकि बंकर और गड्ढों में छिपकर बैठे जेलेंस्की के सैनिकों को खत्म किया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की ये रणनीति भी बखमूत में फेल हो गई थी, और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बौखलाए हुए हैं, क्योंकि तमाम कोशिश के बाद भी बखमूत उनकी पकड़ से दूर है, जबकि पुतिन किसी भी सूरत में इस छोटे से शहर को जीतना चाहते हैं। क्योंकि पुतिन के लिए पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमूत सबसे अहम शहर है। अगर पुतिन को डोनबास इलाके में मौजूद डोनेस्क और लुहांस्क से यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह भगाना है तो पहले बखमूत को हथियाना होगा, और अगर बखमूत पर कब्जा हो गया तो पुतिन उसके आगे डोनेस्क के क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क की तरफ बढ़ जाएंगे। क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो पुतिन की पहुंच से दूर हैं। इसलिए पुतिन जल्द से जल्द बखमूत को जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, क्योंकि बखमूत को जीतने के बाद ये दोनों शहर पुतिन की घातक तोपों के निशाने पर आ जाएंगे। और रूस का दावा है कि उनके टैंकों के आगे जेलेंस्की के सैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। मतलब अगर बखमूत हाथ से निकला तो डोनबास में पुतिन की फौज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और यूक्रेन ने दावा किया कि बखमूत को बर्बाद करने के बाद अवदीवका शहर पुतिन का नया टारगेट हो सकता है। ये शहर बखमूत से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में बसा है। यूक्रेन को इस बात का डर है कि डोनेस्क का अवदीवका शहर दूसरा बखमूत बन सकता है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी फौज ने अवदीवका शहर को घेरना भी शुरू कर दिया है। बखमूत का रूस ने क्या हश्र किया वो पूरी दुनिया देख रही है। बेहिसाब मिसाइलों की मार और ताकतवर तोपों से बरसाए गोलों से पूरा शहर खंडहर बन चुका है। इसी वजह से बखमूत में रूस की सेना को रोकने के लिए जेलेंस्की ने अपना आखिरी दांव चल दिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रेमलिन पर हमले के बाद पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने अपनी लाल रेखा को पार कर दिया है, अब समय आ गया है कि जेलेंस्की को मारना ही होगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्रेमलिन पर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद रूस किस तरीके से बौखलाया हुआ है। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव के रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद यूक्रेन पर आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने सारी हदें पार कर दी और अब समय आ गया है कि जेलेंस्की को खत्म करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही यूक्रेन को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद जेलेंस्की और उनके लोगों के पास मौत के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उन्हें बिना शर्त सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दिमित्री मेदवेदेव ने इस दौरान हिटलर की भी चर्चा की और कहा कि हिटलर ने भी इस तरह के किसी सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए थे और उसका हश्र पूरी दुनिया